फाइनल सायरन है, जो बिल्कुल हट जाए, सड़कों से हट जाए, लगातार सायरन गूंज रहा है। 3 से 4 मिनट का वक्त केवल बाकी है एक बटन दबने का, और उसके साथ ये दोनों इमारतें ढेर में तब्दील हो जाएंगी। अभूतपूर्व वो दृश्य होंगे जो अब से चंद मिनट के अंदर आप देखने जा रहे हैं। फाइनल सिग्नल सायरन अब भी लगातार बजाया जा रहा है। अब इसे लोगों के लिए फाइनल वार्निंग समझ लीजिए, फाइनल एहतियात है ये लोगों को कॉशन करने के लिए कि अब कोई भी व्यक्ति सड़कों पर ना रहे, कोई भी व्यक्ति आसपास के परिसर में ना रहे। अनिवार्य है हर किसी के लिए 250 मीटर से कम की दूरी पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता अब इन इमारतों के। और एक काउंटडाउन आपको बता दूं, मात्र 2 मिनट का काउंटडाउन बाकी है। सड़कों पर अब पुलिस की गाड़ियां फाइनल राउंड कर रही हैं, फाइनल गश्त कर रही हैं। पुलिस की गाड़ियों के सायरन भी हम सुन सकते हैं। और दूसरा ये हूटर, ये जो सायरन बजाया जा रहा है, वार्निंग सायरन, कि सब लोग सतर्क रहें। किसी भी वक्त अब आप देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे एक जोरदार धमाका, और माना जा रहा है 9 सेकंड का वक्त लगेगा इन 32 मंजिला इमारतों को जमींदोज होने में, धराशायी होने में, मात्र 9 सेकंड। काउंट डाउन चालू, आप 1.5 मिनट के अंदर कभी भी ट्विन टावर सुपरटेक किए जाएंगे, वो वक्त कभी भी आ सकता है। अब हमें आसपास सामने कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, ना ही डीबीसी टेक्निकल टीम का। सड़कें बिल्कुल खाली हैं, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है, केवल एक सायरन लगातार बज रहा है किसी भी ऐसे शख्स को आगाह करने के लिए जो अब भी सड़क पर मौजूद हो। कंटिन्यूअस आवाज उस सायरन की हमें दिखाई सुनाई दे रही है। एक फाइनल गो एट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से दिया जाएगा, और जिस टीम को जिम्मेदारी है, 7 मेंबर्स की वो टीम उस बॉक्स में लगे एक बटन को दबाएंगे जिससे चार्जेस डेटोनेट हो जाएंगे और नीचे से शुरू होकर ऊपर तक ये ब्लास्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। और अब किसी भी वक्त, 1 मिनट से भी कम वक्त है, अगर बिल्कुल शेड्यूल पर है सब कुछ, तो आपके आंखों के सामने चंद सेकंड के अंदर एक ऐसा नजारा होगा जो जिंदगी भर देखने वाला नहीं भूलेगा। किसी भी समय आपकी आंखों के सामने वो ब्लास्ट आपको दिखाई देगा, वो आवाज आपको सुनाई देगी। फाइनल काउंटडाउन जिसे कहते हैं वो शुरू हो चुका है, सायरन रुकने का नाम नहीं ले रहा, फाइनल जारी है लगातार लोगों को आगाह करने के लिए। किसी भी वक्त वो लवा आ सकता है जब हम वो पहली चिंगारी, पहला धमाका सुने। टकटकी लगाकर आप देखती केवल इन इमारतों की ओर, वाकई में इतिहास बनता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं। ढाई बज चुके हैं, जो वक्त निर्धारित था वो हो चुका है, ढाई बज चुके हैं। अब किसी भी वक्त आप उम्मीद कीजिए किसी भी नमाज, किसी भी सेकंड वो ब्लास्ट हमें होता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी, और इस धूल का गुबार आप देखिए ऊपर और बाई ओर बढ़ता हुआ है, धुएं का गुबार, हवा की दिशा में ये धुआं, ये धूल जो है बढ़ती हुई जा रही है, और धूल छिड़ेगी तब हमें पता चलेगा कि आखिर मलबा कहां गिरा है और आसपास की इमारतों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। लेकिन आपने ये अभी जो तस्वीरें देखी है, जो नजारा देखा है, शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, और भारत में तो कभी ही नहीं देखा। दो बड़ी इमारतें, दो इमारतें जिन जो 32 ऊंचे फ्लोर की, 29 ऊंचे फ्लोर की थी, चारों तरफ से
और रिहायशी बिल्डिंग से घिरी हुई थी। वो देखिए वो इमारतें अब देखना शुरू हो गई आपको सामने, देखिए वो सुपर टेक की इमारतें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिनके आपको ऊपर पीले हेड्स दिखाई दे रहे हैं, उनका ग्रीन और उनके ठीक सामने धुएं की टीचर आप देखेंगे। ये बीच में आप देखेंगे ये ATS विलेज के की इमारतें हैं, सब अभी धूल में ढके हुए हैं। एक बार ये धूल छटती और ये धूल जो है इसने पूरी तरीके से एक्सप्रेस है। अब मानिए जो जो धूल का जो इम्पैक्ट है ये कई सौ मीटर तक ही हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड के अंदर हमारे बोलते बोलते ही वो ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट पूरी इमारत में लगभग एक साथ हुआ। पहले 29 मंजिला इमारत थी सियान में, उसकी एपेक्स बिल्डिंग थी, चार्ज किया गया और वो धराशायी हुई। और अब धूप जो है वो धीरे 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 इसके आसपास की बिल्डिंग से छट रही है। तो अब हम ये धीरे देख पाएंगे आपको इस स्टॉल आइए कोई नुकसान पहुंचा है, सायरन अभी भी लगातार बज रहा है, इसका मतलब ये है पावर्स तो है वो कामयाबी के साथ गिराए जा चुके हैं। आपने देखा अपनी आंखों से इंडिया टीवी के तमाम कैमरों के जरिए लाइव तस्वीरें, ये ऐतिहासिक तस्वीरें आपको दिखाई, ये धूप है तो ये पता चले कि आसपास के जो व्यक्ति उनका क्या हाल है, क्योंकि चिंता उनको सबसे ज्यादा है कि आखिर उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम देख रहे हैं कम से कम हमारे सामने जो मेन ATS की बिल्डिंग है टावर साफ नजर आ रहे हैं और उसके ठीक पीछे देखेंगे तो आपको पीछे का ढेर कंक्रीट का ढेर पड़ा हुआ वो नजर आना शुरू हो चुका है। ये स्प्रिंग जो थी इसका ज्यादातर मलबा वहीं खड़ी थी, वॉटरबॉल फॉर्मेशन के दौरान वहीं पर गया और कुछ आगे की तरफ गिरना था। सड़क की तरफ से भी जो सामने है वहां से भी धुआं छट रहा है और एक बार अगर कैमरा घुमा करके हम दिखा पाए आपको, धीरे धीरे कैमरा घुमाइए खान साहब, और यहाँ से हमारी दाई ओर जाते हुए देखिए ये सड़क थी मेन जिसके साथ जहाँ पर सारी तैयारियां चल रही थी। ये आपको सामने जो टावर्स दिखाई दे रहे हैं अब ये ग्रीन टॉप वाले ये ATS के टावर्स हैं, इसके पीछे सुपरटेक के टावर्स हैं। और खान साहब जरा चंद्रमान जी ये सामने ATS के टावर के ठीक पीछे दिखाइए वो मलबे का ढेर दिख रहा होगा, मलबे का ढेर नीचे पड़ा हुआ जो है आपको दिखाई दे रहा है। अभी धूल का गुबार बहुत ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे धूल यहाँ से छट रही है। वो देखिए आपको मलबे का ढेर कॉन्क्रीट का ढेर जहाँ पर खड़ी हुई थी ये 30-32 मंजिला इमारतें आज वो जमीन में धूल में तब्दील हो चुकी हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार करके बनाई गई थी। ये देखिए आप और सामने सुपरटेक की वो इमारतें जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं, साफ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, कोई यहाँ से उन्हें डैमेज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब आप ATS के पीछे वाली भी देख सकते हैं जो टावर है वो भी सही सलामत खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सुपरटेक की बिल्डिंग्स भी साफ सही सलामत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और देखिए वो जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं नीचे चलते हुए यही वो लोग हैं जिन्होंने इस फाइनल ब्लास्ट को अंजाम दिया और अब वो इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं कि उनका ये ब्लास्ट कैसा रहा। वो बिल्कुल डेब्री साइट पर जा रहे हैं बिल्कुल डेब्री साइट पर सर्च ऑपरेशन के लिए वो जा रहे हैं कि आखिर वहां पर इस वक्त क्या हालात है देखने के लिए। तो ATS की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है साइट का जायजा लेने के लिए। मलबा गिरा हुआ साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त और सारे टावर जितने थे ज्यादा टावर कम से कम को बिल्कुल सुरक्षित खड़े हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नजदीक से जाकर माइन्यूट एग्जामिनेशन पर उसके लिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट स्ट्रक्चरल टीम है वो जाकर के जायजा लेगी कि किस इन इमारतों को आखिर या कहीं कोई खरोंच भी आई है। लेकिन दावा यह था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन जो तस्वीर अभी आपने ली है 9 सेकंड कहा जा रहा था, मुझे लगता है शायद उससे भी कम वक्त लगा होगा इस सारे बिल्डिंग्स को धराशायी दोनों बिल्डिंग्स को धराशायी होने में। और इधर दिखाइए जरा चंद्रमा जी धुआं धूल देखिए कहां तक पहुंच चुकी है, धूल कहां तक है पूरा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।